वार्म वेलकम्स टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन टुडेज वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री चैप्टर टू एंड दिस इज डे टू फॉर स्टैंडर्ड एट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। बेटा इससे पिछले क्लास में हम लोग The causes of day and night के बारे में जाना था और the causes of changes, season के बारे में जाना था, rotation and revolution के बीच differences क्या होती है उसके बारे में कुछ बातें हुई थी। तो लास्ट वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, इसका डे वन अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में है उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद डे टू की ये वीडियो है उसको पूरा देखिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। माय डियर स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्कूल की जो ऐप है जिसकी लिंक आपको भेजी गई है उस ऐप को जरूर आप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से। आप उस लिंक से भी लिंक आपको ले जाएगी प्ले स्टोर में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाए, वहां टाइप करें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, लोगों के साथ वहां आ जाने वाली है। पूरा टाइप करें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, लोगों के साथ आएगी, स्कूल लोगों के साथ, उसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज गई होगी कल, जिसमें आपके यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड को डाले उसने, मोबाइल नंबर ही यूजर आईडी है और पासवर्ड आपको अलग से भेजी गई है, तो पासवर्ड डालें। उसको डालने के बाद आपके स्कूल की जितनी एक्टिविटीज हैं या फिर आपकी जितनी एक्टिविटीज है वो सारा डिटेल्स आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। वहां आप सारी चीज देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपके फी डिटेल्स की स्ट्रक्चर वहां है, आपके प्रोफाइल सारी है, डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर सारी चीज वहां मेंशन की गई है। तो आप जरूर इंस्टॉल कर लें। अगर आप पेरेंट्स मुझे देख पा रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इन्हें जरूर इंस्टॉल कर लें, आप इसे डाउनलोड कर लें ताकि आपके बच्चे का सारा चीज ऑन स्क्रीन हो जाए, इंटायर वर्ल्ड दुनिया के किसी भी कोने में आप उसे देख सकते हैं। तो एक अच्छी चीजें हैं ये, हमारे डायरेक्टर सर की एक अच्छी पहल है जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में बहुत सारे स्कूल में नहीं है, वो हमारे विद्यालय की ओर से हमारे बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, सारी टेक्नोलॉजी से लैस करने की हमारे डायरेक्टर सर की ये सारी प्रयास की जा रही है। आप जरूर डाउनलोड कर लें, और आपको अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ब्रॉडकास्ट में आप मैसेज करें, या लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्रॉडकास्ट में मैसेज करें, वहां आपको हेल्प की जाएगी, हेल्पलाइन से हेल्प की जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लें। अगर पेरेंट्स हैं तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप भी एक बार जरूर डाउनलोड कर लें, आपके बच्चे के सारा डिटेल्स ऑनलाइन हो जाएगी। इससे आपको बहुत फायदा है। इस वीडियो में तो मैं बहुत सारे डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको यदि कोई क्वेरीज होंगी उस रिगार्ड्स तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ब्रॉडकास्ट से भी आप जुड़े हुए हैं, ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप हमें पूछ सकते हैं। एनीवेज, इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट टू टॉपिक, दैट इज ट्रेड राइवलरी एंड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। जो एक कंपटीशन था, व्यापार का जो एक दौर था बेटा, जिसमें व्यापार करने की होड़ सी लग गई, राइवलरी होड़ लग गई, तो सही हुआ ट्रेड मींस व्यापार, तो उसमें कैसी होड़ थी, कैसे होड़ लगी, उसका मुख्य कारण क्या था, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, कुछ ज्यादा ही गर्मी है, नहीं बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप लोग भी थोड़ा पंखा चला कर बैठे, ज्यादा गर्मी लग रही है तो। और हाँ, ट्रेड राइवलरी बेटा, बहुत सारी कंपनीज जो है, पहले ट्रेड राइवलरी हुआ क्यों इंडिया में ही, भारत में जो एशिया में सबसे ज्यादा ट्रेड राइवलरी अगर किसी देश में हुआ तो इंडिया में हुई, और क्यों हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था, उसके बारे में हम लोग जरा आपके डिस्कस करते। तो देखिए, सबसे पहले एक बार हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियोज में, कहीं हमने बताया आपको कि भारत में 1498 में आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब आते हैं तो उस वक्त कालीकट के बंदरगाह पर, मतलब सीपोर्ट्स पर आते हैं, कालीकट में जब उतरते हैं तो वहां जमेरिन एक किंग होता है, राजा होता है, शासक होता है,
जमीरन के दरबार में जाते हैं और जमीरन से बहुत सारी बातें होती है, ट्रेड की बातें होती है। जब वो लौट कर जाता है तो बहुत सारे स्पाइसेस यहाँ से लेकर जाता है, मतलब मसाले लेके जाते हैं, जैसे जीरा हो गए, मरीच हो गए, धनिया हो गए, मिर्ची हो गए, बहुत सारे मसाला में जितनी भी मसाले हैं वो मसाले लेकर जाते हैं। जब वो मसाला लेकर अपने देश पोर्टुगीज जाते हैं, मतलब आई मीन टू से पुर्तगाली थे वो, भारत में पहला ट्रेड करने वाले इंसान पुर्तगाली ही था, पहला इंसान जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था वो इंटरनेशनल ट्रेड समझिए वास्को डगामा ने ही पहले शुरू किया था, आरंभ वास्को डगामा से ही हुई थी। तो जब वो यहां से स्पाइसेस को ले गए और अपने देश में जब उस स्पाइसेस को सेल किया, मतलब दूसरे को दिया, तो सारी चीजों के कॉस्ट को हटा के, मतलब लीव करके, उसको जितना कॉस्ट लगा था उसको यहाँ खरीदने में उसका 200 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, 200 टाइम्स। मतलब आई मीन टू से कि कोई सामान अगर 1 रुपया में खरीदा तो उसको 200 रुपया में समथिंग उसे प्रॉफिट हो गया, मतलब 205 में बेचा होगा, 201 में बेचा होगा तो 1 रुपया तो हो गया, उसका 200 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मतलब 1 रुपया का 200 रुपया प्रॉफिट हुआ उसको अपने पुर्तगाल में बेचने पर। फिर वो 1502 में वापस आते हैं 1498 के बाद, फिर यहाँ से स्पाइसेस ले जाते हैं। इस तरह से क्रम सीरीज से में एक कंटिन्यूअसली ये चलती रही। तो सर यहाँ पुर्तगालीज के साथ साथ जो डेनिश थे, जो फ्रेंच थे, जो तुर्की के लोग थे, जो यूरोप मतलब इंग्लैंड के लोग थे, या फिर अगर बात कर ले तुर्किस लोग थे, या फिर बात कर ले डच की बात करें तो डच लोग थे, ये सब धीरे धीरे इंडिया की ओर आने लगे और ट्रेड के होड़ सी लगने लगी। क्यों? चूंकि उसका मुख्य कारण एक ही था कि आसानी से उसको मटेरियल मिल जाती थी, सामान मिल जाती थी और अपने देश में ले जाकर उसको भारी कीमतों में बेचते थे, मतलब ह्यूज अमाउंट्स लेता था उसके लिए, दे वर टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट इन अगेंस्ट ऑफ दैट मटेरियल। उस मटेरियल के अगेंस्ट में वो बहुत सारी संपत्ति लेता था, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट मिलती थी। एनीवेज वो प्रॉफिट तो जो मिलती थी तो सर कौन कौन से सामान यहाँ से ले जाते थे? ज्यादातर स्पाइसेस की बात करें, ज्यादातर जैसे अगर पेपर की बात करें, मरीच, क्लोव, कार्डामम, इलायची जिसको हम लोग कहते हैं, सिनामोन, कॉटन भी था, सिल्क, इंडिगो, साल, पेट्रोल, इस सब जो कुछ सामान थे, तो इन सब मटेरियल्स को भारत से ट्रेड करता था, ले जाता था और अपने देश में ले जाने के बाद उसे सेल करता था, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलती थी। तो बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट मिलती थी उन सारे प्रॉफिट से के लालच से, ह्यूमन बींग्स का नेचर है लालच करना, लालच से, चूंकि सेटिस्फेक्शन तो लिखा से जाता है पुस्तक में संतोषम परम सुखम, पर डिसकंटेंटमेंट जो है ह्यूमन बींग का नेचर है, डिसकंटेंटमेंट असंतोषजनक, असंतोष होना भी चाहिए, असंतोष पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आज इनकम पढ़े हैं, आज जितना भी पढ़े हैं उससे आपको संतोष ना हो, या आप बहुत कम पढ़े हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते, तो डिसकंटेंटमेंट होना चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया अलग है, सिचुएशन अलग तो होता है। तो ब्रिटिश आ गए, फ्रेंच आ गए, पोर्टुगीज आ गए, डेनिश आ गए, डच आ गए, सारे जब इंडिया में आ गए तो कॉम्पिटिशन था, कंपटीशन होगा क्यों नहीं, ऑब्वियसली एक ही जगह से सब लोग व्यापार करने चले जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन आ जाएगी। अभी मार्केट में चले जाएगा कंपटीशन होगा ही, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं तो कंपटीशन तो होगी, कंपटीशन है। जब उस कंपटीशन में अब पहले जो सामान मिलता था अब वो सामान लोगों को मिल नहीं पा रहा था, ट्रेडर्स को मिल नहीं पा रहा था, पहले जो ट्रेडर्स कई टन ले जाते थे अब उसको किलो के भाव से मिल रहा था, क्विंटल के भाव से मिल रहा था, चूंकि प्रोडक्शन तो वही है ना, खरीदने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो समस्याएं होगी। तो ब्रिटिश ने बहुत सारे इसके लिए ये किया और कोशिश की, और ब्रिटिश ज्यादा मुनाफा कमाना चाह रहा था तो उसका एक ही ये था रास्ता था, क्या वे था कि किसी तरह इलिमिनेट कर दिया जाए। इलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, यहां लिखा है इलिमिनेटिंग, अपने मोनोपोली को बढ़ाने के लिए एक सत्ता, मतलब एक एकाधिकार बनाए रखने के लिए इस ट्रेडिंग सिस्टम पर सबसे पहला चीज था कि इलिमिनेट करना, जो भी दूसरे देश के ट्रेडर्स भारत में थे उन सारे ट्रेडर्स को भारत से इलिमिनेट करके फिर वो अकेले इस भारत प्रशासन करके, अकेले इस पूरे भारत की जो ट्रेडिंग सिस्टम है उस पर अपना सत्ता जमा करके, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होता। उसका एक ही तरीका था, किसी तरह इलिमिनेट करो तब मोनोपोली होगी उसकी, मतलब तब हो सकता है कि उसकी मोनोपोली बढ़ जाए
और शासन तेजी से आगे बढ़ने लगे और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगी। इसके सिर्फ में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो ये बहुत सारे युद्ध हुए, एक क्लैश हुआ बिटवीन टू नेशन, बिटवीन टू ट्रेडर्स, अलग अलग देशों के जो दो ट्रेडर्स होते थे उनके बीच क्लैश हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध में कई युद्धों के बाद फ्रेंच चूंकि ज्यादा थे तो फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज इन सबको सीज्ड कर दिया गया, मतलब इन लोग डिफीट कर दिया गया, और डिफीट करने के बाद उन लोगों को इस तरह से हेल्पलेस बना दिया गया कि उसे इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन वो पूर्णता नहीं गया, आंशिक रूप से हर एक पोर्ट पर वो कुछ ना कुछ रह ही गए, लेकिन दबदबा बन गया उस वक्त इंग्लैंड का। ओके, इस तरह से ट्रेड राइवलरी होती है, व्यापार की होड़ लगती है भारत में। तो अगले टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो भारत में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में मेन कहिए, या फिर फ्रांस ब्रिटिश या ब्रिटिश से कई अन्य देशों के साथ जो युद्ध हुआ वो एक सीरीज वे में था बेटा। सीरीज वे में आई मीन टू से कि एक युद्ध हुई इस देश के साथ, दूसरा युद्ध हुई दूसरे देश के साथ, फिर तीसरा युद्ध हुई तीसरे देश के साथ, कंटिन्यूसली क्या हुआ, एक सीरीज वे में युद्ध होना आरंभ हुआ। तो उस सीरीज वे में जो युद्ध होना शुरू हुआ बेटा, यहाँ ध्यान देना है, इसी सीरीज वे में जो युद्ध हुआ ये 20 वर्षों का एक रीजन है। 1744 में लिखा हुआ नहीं, लिखा 1744 टू 1763, 1744 टू 1763 लगभग 20 वर्षों का एक युद्ध हुआ। इस सीरीज ऑफ वार्स को कार्नेटिक वार्स के नाम से जानते हैं, सीरीज ऑफ वार को कार्नेटिक वार के नाम से ओके। इसमें ज्यादातर युद्ध जो हुई थी, चूंकि साउथ इंडिया में लोग ज्यादा आते थे, उधर केरल हो, कन्याकुमारी हो, इधर गोवा हो, गुजरात हो, इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कलकत्ता की बात करते तो जो सी पोर्ट्स जिधर थे इधर जाते आते थे, क्योंकि इस चीज से ही लोग आते थे, तो इस इन सब जगहों पर फाइट ज्यादा हुई। हालांकि ज्यादातर जो इतनी फाइट्स थी उसमें से ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फाइट जो थी तमिलनाडु बेस पर हुई, और तमिलनाडु में ही भी ज्यादातर फाइट लड़ाइयां लड़ी गई। उसमें अगर बात करें तो 20 वर्षों की इस सीरीज ऑफ वार्स में इंग्लैंड का दबदबा बना, बहुत सारे देशों के ट्रेडर्स को कमजोर कर दिया गया, और जब ब्रिटिश की विजय होती है, ब्रिटिश अपने आप विजय क्या कहेंगे, उतनी बड़ी युद्ध तो हुई नहीं कि सत्ता हथियार लिया जाएगा, तो ट्रेडर्स को धीरे धीरे कमजोर करता चला गया। जैसे जैसे ट्रेडर्स को कमजोर किया तो उसके बाद एक समय आता है जब ब्रिटिश खुद से उस सारी ट्रेडिंग सिस्टम पर अपनी एक पैट जमा लेती है, मीन टू से He was became owner of the trading system in India, and thereafter the all the French, Dutch, Danish, Portuguese, they were started to move from this country one by one. लेकिन सब पूरी तरह नहीं गया। हमने बताया था लास्ट वीडियो में एक बार कि पुर्तगाल भारत में पहले आया, पुर्तगाल भारत में शासन करना पहले आरंभ किया और सबसे अंत में गया बेटा 1961। मैंने एक ईयर बताया था जिस ईयर में ब्रिटिश भारत को छोड़कर वापस चला जाता, हमने एक बार चर्चा की थी अगर आपको याद हो तो, है ना सर। तो ये था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जिसमें फ्रेंच सीस्ट अंग्रेज स्टैब्लिश देयर पावर। जैसे ही सब देश धीरे धीरे कमजोर पड़ गया तो अंग्रेज को ये मौका मिल गया, और उस मौके का फायदा, मौके पर जो अपना फायदा उठाया, अलग अलग जगहों पर स्टैब्लिश किया अपनी कंपनीज, और उसने कंपनी के हिसाब से यहां से फिर से ट्रेडिंग करना वो आरंभ करता है, अच्छी ट्रेडिंग की। 350 वर्षों तक शासन करना एक आसान बात नहीं है, लगभग 350 वर्षों तक उनका शासन रहा, ट्रेडिंग किया, ये बहुत बड़ी बात है। कई राजा महाराजा तब तक बीच में आए, रविन्द्रनाथ टैगोर तक की बात कर रहे जो भारत के थे, 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उनके सम्मान में गीत गाया गया था जनगणमन अधिनायक जय टैगोर के द्वारा, और तब उन्हें शायद गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज, साहित्य के लिए नोबेल प्राइज पहला बार दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिए थे। एनीवेज हम लोग क्लास खुलेगी तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी। हाँ, और अगर आपको भी अगर कोई भी टॉपिक हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी सीरीज से संबंधित आपके नॉलेज में कोई भी बातें आती हैं, वो करेंट अफेयर की हो, हिस्ट्री की हो, आप ब्रॉडकास्ट में जरूर मैसेज कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप मैसेज कीजिए, हमसे कॉल भी कर सकते हैं, हम आपके कॉल का
वेट करते हैं, आपका कॉल का हमें इंतजार होता है। आप कमेंट भी कीजिए, आपको अगर समझ में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। तो बेटा इन्हीं टॉपिक के साथ आज हम यहीं पर लेंगे एक छोटा सा विराम, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।